हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं, हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 7 की। और चैप्टर नंबर 7 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसकी आपकी 7.1 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा। तो आज जो हम बच्चों बात करेंगे, अपनी बात करेंगे 7.2 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, 7.2 की बात करेंगे। और 7.2 है जो बच्चों, वो सिर्फ आपकी क्या सेक्शन फार्मूला है, क्या है सेक्शन फार्मूले पे हम लोग बात करेंगे। और आप लोगों को ये भी बता दें, जो सेक्शन फार्मूला हमारे यहाँ है बच्चों, वो आपका जो है इंटरनल डिवीजन पे है। किसका, किस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे, इंटरनल डिवीजन पर हम लोग वो करेंगे। फिर एक हमारा यहाँ से बच्चों एक फार्मूला हमारा लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट। हम लोग किसकी बात करेंगे, मिड पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। तो मिड पॉइंट यानी कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका मिड पॉइंट बता दीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की। किसकी बात करेंगे बच्चों, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। देखिए, सेक्शन फार्मूला, हाँ बिल्कुल यही है। नहीं, दोनों लिखवा देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों लिखवा देंगे ना, सेक्शन फॉर्मूला दोनों लिखवा देंगे फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, अब सर ये कैसा होता है इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल, देखिए ध्यान से। एक लाइन सेगमेंट दे दी गई आपको, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। इसके हमने कोऑर्डिनेट दिया आपको एक्स वन और वाई वन। इसके कोऑर्डिनेट हमने कह दिए बच्चों आपसे एक्स टू और वाई टू। मान लीजिए कि ये लाइन सेगमेंट है और इसको हमने डिवाइड किया बच्चों किसमें, पी, पी पॉइंट पे हमने इसको डिवाइड किया। इसको रेशो एम वन मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, एम टू। तो ये जो पी पॉइंट है, किस पे डिवाइड होगा, एम वन रेशो एम टू पर होगा। किस पर डिवाइड होगा बच्चों, एम वन रेशो किस पर डिवाइड होगा, एम टू पर होगा। एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों हमेशा, कि ये जो लाइन होगी, ये जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्सटर्नल वाले हमेशा किस में होते हैं बच्चों, प्लस में होते हैं। एक्सटर्नल वाले किस में होंगे बच्चों, प्लस में होंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना हमेशा कि जब भी कभी एक्सटर्नल डिवीजन की आप लोगों से बात करेगा, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या लिखना है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। देखिए रेशो हमेशा सेम रहेगा, रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट वाले के लिए भी और वाई कोऑर्डिनेट वाले के लिए भी। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, ये आपका सेक्शन फार्मूला हो गया फॉर किसके लिए बच्चों, इंटरनल डिवीजन के लिए हमने ले लिया। क्या लिया बच्चों, इंटरनल डिवीजन के लिए। ऐसे ही बच्चों अगर हम एक्सटर्नल फार्मूले के लिए बात करें, किसकी बात करें, एक्सटर्नल के लिए बात करें। चलिए सेकेंड देखिए, सेक्शन फार्मूला लिखवाई दे रहे हैं, वैसे तो हमारे कोर्स में है नहीं, एक भी क्वेश्चन ऐसा है नहीं। एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, ये तो बना हुआ है ही। फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, एम वन एक्स टू, क्या जाएगा, एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू कोमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम। ये आपका सेक्शन फार्मूला किसके लिए होगा बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए होगा। किसके लिए हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हो गया। अब एक आपको और ध्यान रखना बच्चों, मिड पॉइंट का और लिखवा देते हैं, थर्ड फार्मूला जो है मिड पॉइंट। देखिए मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला कैसे होगा देखो ध्यान से। एक कोऑर्डिनेट ए है, जिसको हमने एक्स वन और वाई वन लेट किया है बच्चों, और एक कोऑर्डिनेट एक्स टू और वाई टू कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट जब आपसे पूछेंगे पी के कोऑर्डिनेट बताइए, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। देखो ध्यान से, जहां कहीं भी आपको नंबर फर्स्ट पे क्या होता है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। कौन सा होता है नंबर फर्स्ट पे, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और सेकंड वाले नंबर पे कौन होता है बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट होता है। कौन सा होता है, वाई कोऑर्डिनेट होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में ही बात कर ली, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन था वहीं पर हमने बात कर लिया था
एप्सिसा कौन होगा और ऑर्डिनेट कौन होता। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी 7.1 पार्ट 1 बेस था जहाँ पर, उसको देख लीजिए। फिलहाल इस एक्सरसाइज में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले, इन दोनों पर, मिड पॉइंट फार्मूला और एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन, क्योंकि एक्सटर्नल हमारे यहाँ कोर्स में है नहीं फिलहाल, तो आपकी बुक में है नहीं। अगर बाय चांस आ जाए तो प्लस की जगह सिर्फ आपको क्या लगाना, माइनस लगाना, किसके लिए बच्चों, एक्सटर्नल के लिए। इतना आप लोगों को सिर्फ ध्यान देना है। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2। कंप्यूटर जी बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे और क्या कहता है हमारा क्वेश्चन उसको सभी बच्चे देखेंगे। चलिए जी आज का है ये क्वेश्चन नंबर 1 7.2। कंप्यूटर जी बिल्कुल तैयार है, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। सॉल्यूशन नंबर 1 हम लोग करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का देखें। तो क्वेश्चन एक बार सभी बच्चे रीड कर लीजिएगा। तो हमको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्या करना है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट। आपको यहां पर क्या करना है बच्चों, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। चलिए हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या क्या गिवन है उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या क्या कोऑर्डिनेट गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट, आगे कह रहा ऑफ द पॉइंट्स, ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1.7 एंड 4, इन द रेशो 2:3। चलिए हम क्या करते हैं, अपने इजी के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आप लोग भी ऐसे करिएगा, जब एग्जाम में जब आपकी कॉपी चेक होगी वहां पर, तो एक्सटर्नल के ऊपर जो एग्जामिनर होगा उसका बहुत अच्छा इफेक्ट डालते हैं जब आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट गिवन बच्चों -1.7, क्या कह रहा है -1.7, और बी कोऑर्डिनेट कह रहा है बच्चों 4.3, क्या कह रहा है 4.3 देखिए, और रेशो भी दिया है, रेशो में कह रहा है 2:3, यानी क्या पीप को कह रहा है कितने में डिवाइड किया बच्चों 2:3, यानी M1 कितना है 2, M2 कितना हो जाएगा आपका 3, ये आपको यहाँ पर गिवन है। चलिए ठीक है। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कोऑर्डिनेट, हाँ बिल्कुल शो कर देंगे, और 2 यानी ये वाला 2 हो जाएगा पार्ट, ये वाला कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए देखो सब बच्चे ध्यान दीजिए, क्या क्या गिवन है सर, -1 हो जाएगा हमारा 7, सर हमारा 4 हो जाएगा, हमारा 3, सर हमारा 2 हो जाएगा, M2 हमारा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 100% श्योर आपके मार्क्स बच्चों बहुत अच्छा आ जाएंगे, क्या आएंगे बहुत अच्छे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सभी बच्चों ने अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला, ठीक है। क्या होता है तो आप लोगों को ध्यान होगा, M1x2 + M2x1 / M1 + M2, M1y2 + M2y1 / M1 + M2, देखिए ये फॉर्मूला, इसी पर हम लोग क्वेश्चन को अब करेंगे। चलिए जी सभी बच्चों को फॉर्मूला दिखा, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया कि फर्स्ट वाला जो x का कोऑर्डिनेट होता है ये होता है y कोऑर्डिनेट। वैल्यू आप लोगों के सामने है, वैल्यू रखेंगे, आइए देखिए M1 की कितनी वैल्यू है, सबसे पहले क्या लिखा M1 लिखा हुआ, M1 कितना है सर 2 है, X2 कितना है सर 4 है, M2 कितना है सर 3 है, X1 कितना सर -1 है, और 2 + 3 हो जाएगा। कोमा लगा दीजिए, कोमा लगाना बहुत ज़रूरी, देखिए M1 की वैल्यू 2 है, Y1 की वैल्यू 7 है, M2 की वैल्यू 3 है, M2 कितना है 3 है, Y1 कितना है 7 है अपॉन M1 + M2, यानी M1 है 2 + 3 हो जाएगा। लगभग क्वेश्चन आपका हो चुका, देखिए 2 4 8 और प्लस माइनस माइनस 3 1 3 अपॉन 3 और 2 5, 7 2 14 और 3 7 21 अपॉन 3 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, देखिए ठीक है। अच्छा M1 Y2 आएगा ना यहाँ पर, क्या आएगा M1 Y2, और Y2 की वैल्यू कितनी बच्चों माइनस की 3 है, ये कैसे वैल्यू रख दी, अच्छा दोनों सेम होगी कोई बात नहीं, 3 2 कितना हो गया 6 हो गया माइनस का। आप कैलकुलेशन तो सबको आती ही है करनी, क्यों बच्चों बताइए, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं ना, तो कितना कितना जाएगा देखो ध्यान से, 8 में से 3 जाएगा बच्चों कितना जाएगा 5/5 हो जाएगा सर, 21 में से 6 जाएगा 15 है ना, यस सर 5 1 5 5 3 15, आंसर बच्चों कितना जाएगा सर 1.3 आ गया हमारा सेक्शन फॉर्म, 1.3 हमारा क्या आ गया बच्चों
आंसर आ गया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो थे आपके वो आ चुका है कितना, 1.3 आ गया है सॉल्यूशन का आपका कंप्लीट। जो पी कोऑर्डिनेट आपके पूछे गए थे वो कितना आ गया आपका, 1.3 आ गया। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही हो जाता है बच्चों कंप्लीट। हम चलेंगे इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? अच्छा, और ज़्यादा अगर आप लोग सोचे कि और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, एग्जामिनर को और कैसे लुभाया जाए कि अच्छे मार्क दे, आप एक लाइन और जोड़ दीजिए, हैंस द, इससे अच्छा और क्या, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट आर 1.3। ठीक है, इससे बढ़िया और कुछ है नहीं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एग्जामिनर आपको और अच्छे से बच्चों मार्क्स दे सके, है ना। चलिए, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट या रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, है ना, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। चलिए कोऑर्डिनेट पॉइंट आर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 2 पर। 2 क्या कह रहा है अब हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा क्या 2 है। देखिए हम जो है सेक्शन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि हम बार बार आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे कंप्यूटर जी ज़रा। और यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में ये देख लीजिए, क्वेश्चन में अब की बार कह रहा ट्राई सेक्शन है, तो फिर इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। चलिए इसको हम रफ ही करते हैं, छोड़िए आप, इधर से ये कोऑर्डिनेट हमने रफ कर दिए। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, ये 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगा दिया, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट डाल दीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसलिए भी थोड़ा ये अपने आप में भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए जी, तो कह रहा क्या क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4.-1 एंड -2.-3। देखिए बच्चों, ट्राई सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो किसी भी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को बोलते हैं ट्राई सेक्शन। क्या बोलते हैं? ट्राई सेक्शन। अब आपसे 4 इक्वल पार्ट होंगे तो 4 इक्वल पार्ट भी आपको दे सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा अपने माइंड में बातों को सेट कर लेना है। चलिए जी, देखो इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक ए पॉइंट हो जाएगा, एक हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। देखो ध्यान से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना। देखो एक पार्ट हमने यहाँ ले लिया बच्चों पी, और ये हमने ले लिया बच्चों क्यू। तो देखो 1, 2, 3 इक्वल पार्ट्स हो। कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पहले से ही गिवन है, क्या कह रहा, 4.-1, ठीक है जी, और ये कह रहा -2.-3। बात तो समझ में आ चुकी सर, रेशो तो की भी नहीं, अब कैसे करोगे सर रेशो। देखो बच्चों ध्यान से, जब आप ये वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसका जो रेशो आएगा वो कितना आएगा, देखो ये 1 पार्ट हो गया, इधर कितने पार्ट है, 1 और 1, 2, तो 1 रेशो कितना हो जाएगा इसका बच्चों, 2। जब आप क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, किसके निकालेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो हो जाएगा 1 पार्ट, ये कितना हो जाएगा 1 पार्ट, इधर कितने पार्ट, 1 और 1, 2, तो ये हो जाएगा आपका 2:1, कितना हो जाएगा 2:1। तो रेशो जो है आप लोगों का वही सेम आएगा। देखिए जब पी के निकालेंगे तो 1 पार्ट हो गया ना, जब आप क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 और 1 कितना, 2, कितना हो जाएगा 2:1। ये आपका हमने रेशो लिख दिया, जैसे आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब बात आ गई ट्राई सेक्शन की, तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है। ट्राई सेक्शन मतलब एपी की डिस्टेंस जो होगी, या एपी की जो डिस्टेंस आपस में पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू, यानी ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। अब कोऑर्डिनेट हमें सबको मालूम है, x1 4 है, y1 -2 है, x2 हो जाएगा हमारा -2, y2 हो जाएगा हमारा -3, m1 1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा 2, ठीक है। अब हम लोग जो कोऑर्डिनेट है पी, हम लोग पहले कौन सा पॉइंट फाइंड करेंगे बच्चों, पी कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ये फॉर्मूला लिखा हुआ, फॉर्मूला लिखा रहे, फॉर्मूले से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है ना, आप मत कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर, लिख दीजिए कि पी इज द डिवाइड, ठीक है, लिखो बच्चों, लिख दीजिएगा यहाँ पर पी डिवाइड ए बी इन द रेशो 1:2, पी डिवाइड द लाइन
ए बी इन 1:2, 1:2। जब क्यों पे चलेंगे, क्यों के लिए हम अलग लिख देंगे, ठीक है। 1:2 आ गया, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी के कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं। किसके कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर सकते हैं। तो पी के लिए आपके लिए फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, आप ध्यान रखिएगा। कहीं आप सोचें कि सर फॉर्मूला भी चेंज होगा क्या, नहीं बच्चों। तो हम लोग पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर, देखो पी एक्स कोमा वाई, आइए फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। देखिए एम वन की वैल्यू 1, एक्स टू की वैल्यू माइनस का 2, एम टू की वैल्यू 2, एक्स वन की वैल्यू 4 अपॉन एम वन प्लस एम टू, यानी एम वन प्लस 2। चेक कर लीजिए m1 x2 वन को इंटू, ठीक है, एम टू एक्स वन 2 × 4 बिल्कुल ठीक है। कोमा लगा दीजिए m1 y2 यानी 1, -3 सॉरी 1 × -3 प्लस का साइन m2 y1 यानी 2, -1 अपॉन 1+2, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2, 4 × 2 = 8 अपॉन में 3, 3 माइनस का 2 माइनस का माइनस प्लस माइनस हो गया ना, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, सिंपल हो गया। 8 में से 2 जाएगा तो सबको मालूम है क्या आएगा, 6 होता है, क्या आएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 3 और माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को कंप्यूटर ही हटा दीजिए, अब आप क्वेश्चन की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 8 में से 2 जाएगा 6/3, ये हो जाएगा माइनस का 5/3, 3 × 2 होता है बच्चों 6, तो आंसर आ गया 2, -5/3। ये हमारा किसका कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, पी का कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, हमारा पी का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से हमें किसके कोऑर्डिनेट चाहिए बच्चों, क्यू के कोऑर्डिनेट चाहिए। किसके कोऑर्डिनेट चाहिए, क्यू के कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। तो क्यू के कोऑर्डिनेट के लिए देखो रेशो चेंज होगा, कोऑर्डिनेट आपके वही रहेंगे। क्या कहा, रेशो आपका चेंज होगा, कोऑर्डिनेट आपके वही रहेंगे। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए आइएगा, चलिए देखिए। तो क्या देखो, क्यू डिवाइड करेगा तो क्या लिखें, क्यू डिवाइड्स द लाइन ए बी इन द रेशो, कितना 2:1। चलिए जी क्यू एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई का। फॉर्मूला आपका सेम m1 x2, तो m1 अब आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर m1 हो जाएगा 2। x1 आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा, m1 x2, तो x2 की वैल्यू हम यहीं से रख देते, थोड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिए, माइनस का 2 प्लस m2 x1 यानी 1 × 4 हो जाएगा अपॉन 2+1। देखिए ये आप लोगों को थोड़ा सा बच्चों यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखो 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 × -3 प्लस 1 × -1 अपॉन 2+1, यहाँ आ जाएंगे। देखो 2 × -4 4 अपॉन में 3, यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 1 अपॉन में कितना आ गया 3, 4 में से 4 जाएगा 0/3, 6 और 1 माइनस का 7/3। तो कोऑर्डिनेट की बात करें बच्चों आ गया 0, -7/3। किसका कोऑर्डिनेट आ गया, क्यू का कोऑर्डिनेट आ गया, कितना आ गया क्यू का, 0, -7/3 आपका बच्चों आंसर आ गया है। इसी तरीके से हमारे दोनों के दोनों पार्ट इसके जो थे कोऑर्डिनेट जो आपसे पूछे गए थे दोनों हमारे हो गए। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या आया बच्चों आपका, कहेंगे सर पी के कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 2, -5/3, और क्यू का कोऑर्डिनेट जो आया हमारा सर वो आ गया है 0, -7/3। तो क्यू का कोऑर्डिनेट का आंसर तो ये हो गया। लास्ट में लिख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, क्या लिख सकते हो लास्ट में, हैंस पी के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए एक साथ, कितना है 2, -5/3, और क्यू कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख दीजिए। और अच्छा थोड़ा इफेक्ट टीचर पर डालता है, बढ़िया, वो कहीं देखेगा नहीं अगर आपने इस तरीके से किया होगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा बहुत समझदार है, इसने बहुत अच्छा किया होगा, है ना। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका बच्चों यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों जो क्वेश्चन आपका चलेगा वो चलेगा थर्ड नंबर, कौन सा क्वेश्चन चलेगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर पर हम अपने आएंगे। देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, अब हम उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन है थर्ड भी, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और मैं कंप्यूटर जी से कहूँगा कि वो थर्ड क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएं।
थर्ड क्वेश्चन को वो स्क्रीन पर लगाएं, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये देखिए क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन नंबर, हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे थर्ड नंबर, इसको हम कर देते हैं देखो यार, ठीक है थर्ड वाले को हमने क्या कर दिया बच्चों, रफ कर देते हैं, ये देखिए चलिए थर्ड को हमने कर दिया ये रफ, देखो सेकंड के बाद हम चलेंगे अपने थर्ड। कंप्यूटर जी कह रहे हैं हाँ जी हमने कंप्यूटर क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाना शुरू कर दिया, देखो कंप्यूटर जी बहुत अपने मतलब जो है आदेश का पालन करते हैं, इस तरीके से आप भी अपने पेरेंट्स का अपने टीचर्स का आदेश का पालन करें, आप लोग देखते हैं उनको कहने की देर नहीं कि क्वेश्चन कंप्यूटर पर स्क्रीन पर बोर्ड पर एकदम तैयार हो जाता, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, ये थर्ड, बढ़िएगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको केस स्टडी में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा थर्ड आपको, तो चलिएगा हम सब ही पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ए बी सी डी लाइन्स हैव बीन ड्रा विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter ईच, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन placed at a distance of 1 meter from each other along AD. देखिए ध्यान से along AD as so in the given figure. निहारिका runs 1/4. निहारिका कितना रन करती 1/4. 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. कौन सा green flag वो post करती है. Preet runs 1/5 distance of AD on the eighth line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या पूछी गई दोनों की डिस्टेंस पूछी गई, चलिए हम डिस्टेंस फाइंड कर देंगे कोई बात नहीं। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, रश्मि आती है बीच में आ गई और वो हाफ वे में क्या करती है ब्लू फ्लैग वहां पर पोस्ट करती है। अब यहां कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द टू फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना पोस्ट कहां करेगी आपको ये बताना है। सबसे पहली बात बच्चों आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन को करने का तरीका है क्या, देखिए सबसे पहले आप लोग डायग्राम ये देख पा रहे होंगे, फिगर यहाँ पर बना हुआ है, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसकी निकालेंगे एडी की, ठीक है एडी का कैसे नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स लिखिएगा, ये फॉर्मूला देखिए नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स, ठीक है और इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लावर पॉट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लावर पॉट्स, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अब देखो बच्चों 100 मीटर की फ्लावर पॉट्स की डिस्टेंस है कितनी है, नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स कितने हैं 100, डिस्टेंस कितनी है बच्चों 1 है, तो कितना हो जाएगा यहां पर 100 हो गई। अब एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है बच्चों, पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग पोस्ट हम लोग निकालेंगे, पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग पोस्ट, एक्स एक्सिस पे देखिए एक्स एक्सिस पे कहां पर पोस्ट हो रहा है भाई, टू पे जा रहा है ना, कहां पर जा रहा है टू पर जा रहा है, तो क्या आ जाएगा 2, 100 1/4 कहा था उसने, कितना कहा 1/4, कितने बार डिवाइड सर 25 टाइम, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2, 25, बात क्लियर हो गई यस एंड नो, तो आप कहेंगे यस सर बहुत सिंपल है। आगे चलिए इसी तरीके से बच्चों पोजीशन ऑफ द रेड फ्लैग पोस्ट, आइए जी हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पर रेड वाले की, तो अगर रेड पे थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, तो ये जा रहा है बच्चों कौन सा एक्सिस एट 8 एक्सिस, कौन सा एक्स एक्सिस पे 8 है और कितना था ये 1/5 कहा था, यानी 100 अपॉन कितना आ जाएगा 5, सब ध्यान से देखते रहिए, कितने से डिवाइड 20, तो कितना आ गया 8, 20, हमको क्या बतानी सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी, क्या बतानी है डिस्टेंस बतानी है डिस्टेंस, तो क्या लिखें डिस्टेंस पूछी बिटवीन बोथ फ्लैग्स, आपको सबको फॉर्मूला याद होगा डिस्टेंस का क्या होता है,
एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दीजिए अपनी, देखिए 8 माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 जाएगा सर 6 का स्क्वायर, सर ये हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। 8 का 6 का स्क्वायर 36 और 5 का कितना बच्चों 25। तो ऐड कर दीजिए, देखिए कितना आएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 का 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 3 टू 5 और 1 6, अंडर रूट कितना आ गया 61 आ गया। इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस बच्चों कितनी आ गई, अंडर रूट 61 मीटर आ गई। क्या आ गई, 61 मीटर। पर अभी क्या काम कंप्लीट हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी एक लड़की और इसमें अभी बीच में आई थी जो यहाँ पर ब्लू फ्लैग क्या कर रही थी बच्चों, वो लगाने का काम कर रही थी। तो अकॉर्डिंग टू ब्लू फ्लैग, अभी तो आपको वो भी तो देखना है, और वो लगा कहाँ रही थी, इन द हाफ वे। हाफ वे का मतलब है आप लोगों को मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए था। तो पता होने के लिए हम लिख सकते हैं कि पोजिशन ऑफ द ब्लू फ्लैग, पोजिशन ऑफ ब्लू फ्लैग, ब्लू फ्लैग मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इज मिडवे, ब्लू फ्लैग इज मिडवे या हाफ वे, है ना। हाफ वे कहा तो हम हाफ वे लिख लेते हैं, हाफ वे किसके किसके बीच में कहा था, हाफ वे बिटवीन टू फ्लैग्स, पोट बिटवीन टू फ्लैग पोस्ट, ठीक है जी, यही तो था टू फ्लैग पोस्ट। चलिए ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। सब इसका फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है ना, अभी हमने मिड पॉइंट वाला x1 वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। आइए वैल्यू रखवाइए बच्चों, x1 की वैल्यू देखो, x1 y1, x1 y1, x2 y2 लिख दीजिए यहाँ पर, x1 ये y1, थोड़ा मार्कर को चेंज करते हैं और फिर थोड़ा अच्छे से भी आप लोगों को फिर समझ में आ पाएगा, देखिए ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट जो होगा ऊपर वाला, इसको हम x1 लेट, ये y1 हो जाएगा, और इधर से बच्चों ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। चलिए आइए देखिए बच्चों, x1 वन प्लस एक्स टू, यानी टू प्लस एट अपॉन टू, 25 प्लस 20 अपॉन, बात समझ में आ गई क्या, सिंपल सी। तो 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, 25 और 20 45 अपॉन टू, तो 25 जा कितना आ गया 10, यानी 5 आ जाएगा, एक तो कितना जाएगा 5, और इसको जब डिवाइड कर देंगे 22.5 आ जाएगा। ये आपका मिड वाला आ गया, दोनों आंसर्स आ गए आपके, एक तो 61 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई, और मिड वे जहाँ वो कोऑर्डिनेट क्या है 5.22.5 आपका यहाँ से बच्चों आंसर आ गया। तो दोनों ही आंसर आपके कंप्लीट हो गए हैं, और हम बात हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कहाँ तक बात कर ली बच्चों 3, ये था आपका पार्ट 1। क्वेश्चन कहाँ से 1-2, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बात करी बच्चों 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको डाल सकते हैं क्योंकि ये केस स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज आप लोगों की 7.2, कोशिश करेंगे पार्ट जो 2 होगा आपका उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4-2 लास्ट तक आपके जो भी होंगे उन सभी की हम लोग कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बच्चों मिलते रहें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आगे बात करेंगे कि किस तरीके से और हम लोग इसको आगे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हाफिली सिलेबस की अगर बात करें तो टोटल आपके 7 चैप्टर आने चाहिए, वैसे तो 14 है टोटल, क्योंकि 14 का हाफ 7 हो गया, बिल्कुल हम 8 चैप्टर तक अपना पूरा, यानी हाफ ईयरली कोर्स लगभग अकॉर्डिंग टू बात करें हम लोग 50% कोर्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा 7.2 के साथ। फिर भी हम बच्चों ट्रिग्नोमेट्री तक अपना पूरा करेंगे 8 चैप्टर तक, क्योंकि आगे के लिए कम रखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग केस स्टडी और सेक्शन रीजन के क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4th से आगे की बात करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय टू ऑल। अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, और आपके जो हाफ़ेली एग्ज़ाम होंगे एज ए बोर्ड एग्ज़ाम वे से आप लोग देखें, उसी प्रिपरेशन से तैयारी करें, उसी तरह से मेहनत करें कि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो गुड बाय टू ऑल, मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक गुड बाय।